हेलो फ्रेंड्स मैं से डॉक्टर संचेती होम्योपैथ फ्रॉम पुणे आज हम बात करेंगे ग्लोकोमा या जिसे कह लीजिए इंट्रोक्यूलर आई प्रेशर या कह लीजिए कि आंखों के, के अंदर का जो आईज प्रेशर है वो बढ़ जाए सो so, ये आंखों की बीमारी है अब हम ये सोचते कि आंखों की बीमारी फिर होम्योपैथी कैसे थॉट सही है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है मतलब क्या होम्योपैथी इज डेफिनेटली देयर विद द for the eye complaints if it is a glaucoma if it is related with any other infection or if it is any other condition of eye but aaj hamara jo topic hai wo specifically maine pehle clear kiya ho so shuru karte right to point ye hai glaucoma yani kya hota hai jiske andar aapke aankhon ke andar eyes ka pressure बढ़ जाता है अब देखिए जिसको कोई ऑप्टिक आई प्रेशर भी बोलेगा कोई उसको intraocular pressure भी बोलेगा कोई का प्रेशर भी बोलेगा सबका मीनिंग एक ही है आपके आंखों पर प्रेशर आ गया अब है तो क्या होगा आपकी रेटिना आगे चले जाएगी तो उसका शेप चेंज हो जाएगा थोड़ा जो ऐसे कौन हो जाएगी जिसकी वजह से क्या होगा आपके आंखों का जो बल्ब है वो थोड़ा आगे चला जाए अब अगर इसको एक सिंपल एक सादी भाषा में समझाया जाए आपने कभी देखा होगा पहले लोग वो टॉर्च आते थे उसको हम आगे से ऐसे सेट करते थे तो एक विजन ऐसा बड़ा होता था फिर एक छोड़ा ऐसा एकदम सीधा पॉइंट पे आता था जो कि एक दूर जाता था और एक स्प्रेड होता था राइट तो सेम किस्सा अपने आँखों में आंखों के पीछे के प्रेशर की वजह से होता है अक्सर जब आप आपके आईज के डॉक्टर्स के पास जाते हो तो डॉक्टर्स के आप चश्मा चेक करवाते हो या बोलते डॉक्टर साहब मुझे धुंधला दिख रहा है मुझे थोड़ा क्लियरिटी नहीं आ रही है लेकिन मुझे आंखों पे ऐसा प्रेशर महसूस होता है या आंखें यहाँ पे इंट्रा ऑर्बेटल पेन होता है या ये बोलते कि आंखों से कभी कभार पानी आता है या बोलते मुझे पता नहीं मुझे आंखों पर ऐसा कुछ भारी भारी महसूस होता है लाइक वाइज ये सिम्टम्स तो वो डॉक्टर साहब ये बोलते यार रुको हम आंखों का प्रेशर चेक करते हैं और पता चलता है कि हमारे आंखों का प्रेशर 40, 45 तक लगभग पहुंच गया देखेंगे तो आइज का प्रेशर नॉर्मली कितना होता है तो सात से लेके दस बारह एज वाइज ये वेरी करेगा तो अभी ये जो आइज का प्रेशर है वो कितना होता है तो नॉर्मल आई का प्रेशर बारह से पंद्रह तक रहता है और किसी किसी के केस में जैसे जैसे डिसीज कंडीशन रहेगी एज रहेगा एग्जिस्टिंग कॉज रहेगा यानी कि पहले की कोई बीमारी रहेगी तो वो 40, 45 तक भी गया हुआ मैंने देखा है अब इसमें क्या होता है जितना आई प्रेशर ज़्यादा उतना विजन कम अब इसमें लोग ये बोलते कि डॉक्टर साहब हम गए थे तो उन्होंने बोला कि शायद आंखों की कोई वहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो गया है या लिक्विड जो आता है उधर का वो ड्रेन नहीं हो रहा है या शायद फिर हो सकता है कि लेज़र करना पड़े हो सकता है छोटी सी सर्जरी करना पड़े और तब जाके वो चीज़ों में सुधार आने का चांसेस है लेकिन वो भी श्योर नहीं है. Here, है। लेकिन, वो तो बारे में आपको, लेकिन उसके पहले समझना चाहिए कि कौन से कौन से कंडीशन में ये होता है सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ब्लड प्रेशर है और वो अनकंट्रोल है दूसरी बात किसी भी कारणवश आपके ऑप्टिक का यानी कि जहाँ पे ऑप्टिक नव कनेक्शन होके क्रॉस होती उधर प्रेशर हो जाए यानी कि वहाँ पे अगर ट्यूमर फॉर्म हो जाए तो भी दिक्कत है अब तीसरी बात अब सोचोगे कि किस तरीके का अब देखिए राइट ब्रेन का कनेक्शन लेफ्ट आई से है लेफ्ट ब्रेन का कनेक्शन राइट आई से क्योंकि एक क्रॉस रहता है इस तरीके अब गलती से अगर इंजरी हो गई राइट हेड को इंजरी होने गई तो भी लेफ्ट आई को भी तकलीफ होती है लेकिन इसमें विजन लॉस का चांस ज़्यादा होता है इंट्रॉप और बैटल प्रेशर बढ़ने से ज़्यादा विजन लॉस के चांसेस होते हैं लेकिन प्रेशर बढ़ने के पीछे और वजह क्या जैसे कोई ग्रोथ हो गई आंखों के पीछे तो भी इंट्रा प्रेशर बढ़ सकता है यानी ग्लोकोमा हो सकता है तीसरा एजिंग प्रोसेस तो है ही चौथाई इसके साथ में अगर डायबिटीज या कोई भी क्रॉनिक डिजीज आपके बॉडी में है या हो सकता है कोई ब्रेन की दवाईया हो एंटीसाइकेट्रिक ड्रग्स वगैरह ये चल रहे हो या कोई ड्रग्स की बैड हैबिट्स हो गई उससे भी ये सब शिकायतें हो सकती है देखिए पॉइंट ये बात सच है कि हर सिचुनारियो अलग अलग है लेकिन सिचुएशन एक है दैट इज कॉल्ड एज ग्लोकोमा समझिए पॉइंट को जैसे कि मान लीजिए शुगर है या ब्लड प्रेशर है या इंजुरी है या ग्रोथ है लेकिन इम्पैक्ट में क्या आएगा का ग्लोकोमा यानी कि इंट्रो ऑर्बेट प्रेशर तो इस दौरान दोनों चीजों को डील करना चाहिए मतलब बट पे लिक्विड जम गया लेकिन अगर आप क्वास को भी नहीं हिट करोगे तो वापस बनेगा फिर यानी कि जो करने वाले हैं प्रोसीजर उसका कोई आउटकम उस हिसाब से नहीं दिखेगा सो इन होम्योपैथी वट वी फाउंड हाँ एक बात रहेगी अब अब बोलेंगे क्या रही ये तो सब पता चल गया स्ट्रेस का इसके अंदर क्या रोल है ये बहुत बात मैंने माइंड में रख के डीपली सोचने वाले बंदों में भी ग्लॉकमा पाया जाता है मतलब सिर्फ ब्लड प्रेशर बढ़े तो ही प्रेशर और टेंशन ले तो प्रेशर ले ऐसा नहीं होता है दैट इज ऑल्सो इन कोरिलेशन विद दिस सो ये भी उसमें मायने है इस हिसाब से हमने हमारे पास अभी रिसेंट में कल मतलब जब मैं हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे लास्ट के हफ्ते भर के दो केस में बताता हूँ जिसके अंदर एक फीमेल की एक आँख पहले ही जा चुकी थी दूसरी एक आँख बच्ची थी उस लेडी को शुगर की शिकायत थी वो इंसुलिन पे थी उन्होंने बहुत जगह हॉस्पिटल करवाया और उस लेडी की आँख की जो दूसरी आंखे उसकी भी पूरी रोशनी चली गई जब वो मुझे मिलने आए कि डॉक्टर साहब ऐसा ऐसा हुआ है तो अब क्या करें तब मैंने पूछा कि वजह क्या बताई तो उन्होंने सीन दे एक्सप्लेन मी कि उन्होंने बोला कि जब तक आई प्रेशर कम नहीं होता हम कुछ नहीं कर सकते दैट द वन केस केस इज एक प्रोफेसर है जिनको ये अब उनका कॉस्ट था इज वेरी स्ट्रिक्ट वेरी पर्टिकुलर वेरी ऑर्गेनाइज एंड वेरी क्लियर माइंडेड पर्सन कोई बैड हैबिट नहीं कोई बाकी बीमारी नहीं कोई एग्जिस्ट नहीं बट पर्टिकुलरनेस का कारण है ऐसा कि हुआ अपने रूल पे काम करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे मतलब इतने हट्टी स्वभाव और जिसका कारण था उनका प्रेशर उनका नेचर उनका स्वभाव और इन सिचुएशन को हमने इनमें भी पॉइंट देखा तो उनका हाईएस्ट गया था 42 तक के आई प्रेशर बाट्रली और उनका एक ही चीज थी डॉक्टर साहब मुझे कोई ऑपरेशन ऑपरेशन नहीं करवाना जो भी आप दवाई से करके और ये दोनों केस का मैं आपको सक्सेस रेट बताता हूं। दो महीने के अंदर इन सबका जो आंखों का इंटर और प्रेशर जो मेजर किया हुआ था वो ट्वेल्व टू सिक्सटीन के बीच में आ गया है हाँ ये बात मैं जरूर कहूंगा की एक दिन में नहीं आएगा याद रखिये एक दिन में बड़ा भी नहीं था इट्स अ प्रोसेस लेकिन हाँ आपका एंट्रा और बाइटल प्रेशर हो हो चाहे आई ऑप्टिक ऑप्टिकना का कोई भी दिक्कत हो होम्योपैथी प्लेज वेरी नॉट ओनली बेस्ट रोल बट इंपॉर्टेंट रोल क्योंकि इसके अंदर सिर्फ ये नहीं है कि आई ड्रॉप डालो और काम चलाओ या फिर कोई और ऐसी दवाई दो कि एक ठीक करने के दूसरा और तकलीफ में नहीं। This is what, हाँ, मैं ये बात कहता हूं आप उसके साथ चाहिए तो बाकी का आपको आप इनसे नहीं भाई सिर्फ होम्योपैथी करूंगा और मेरे कल आके चली गई तो क्या कोई दिक्कत नहीं आप आपके फिजिशियन का फॉलो करो वो उन्होंने जो भी दिया आपको वो ले लो साथ में आप आप हमारा दवाई लेके देखो यूल सी अ गुड चेंज और ये बात आपके फिजिशियन भी बोलेंगे कि हाई आर शोइंग रियली गुड चेंज सो होम्योपैथी इज हैविंग वेरी परफेक्ट फॉर दिस है इन टर्म्स ऑफ इंट्रा प्रेशर इन टर्म्स ऑफ आई प्रेशर और एवर आई से फॉर एनी कंडीशन ऑफ योर आई वेदर इट इज अ वायरल इन्फेक्शन इन्फेक्शन वेदर इट इज अ अंजुरी

इसके बारे में कोई भी डाउट हो तो हाँ आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप अगर यहाँ तक हमें सुन चुके हो और आपको लगता है कि हाँ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो था और ये हाँ ये किसी के काम में आ सकता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू सो मच